अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एस्पायरिंग होम्स। मेरा नाम मोहम्मद हसन और आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक्चुअली मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी घर लेके आए हैं। और दिस टाइम ये घर जो है ये मल्टीपल कंपनीज की कोलेब्रेशन से बनाए और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के इसमें इन्होंने इंटीरियर इंस्टॉल किया हुआ है। इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो आप देख सकते हैं कि प्लेन टेक्स्चर्ड वाइट कलर में है। और आप देख सकते हैं कि फ्रंट इसका इन्होंने प्रोफाइल लाइट में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एंट्रेंस बनाई है। इन्होंने ग्रूव्स दे दिए जगह जगह पे, एटलीस्ट टू कार का गैराज यहाँ पर क्लियर गैराज है। फोर कार्स आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैप। और यहाँ पर आ जाता है इसका लॉन। अगर आप इसके बाहर देखें तो बाहर से भी इन्होंने इसको खाली नहीं छोड़ा है, यहाँ से भी इन्होंने प्रॉपर इसका जो है वो लॉन डेवलप किया हुआ है। और अब प्लांटेशन अच्छी यूज़ की है, इम्पोर्टेड प्लांट्स यूज़ किए हुए हैं इसमें, जो है वो पाम ट्रीज़ यूज़ किए हुए हैं इन्होंने, और अंदर भी इसमें स्पॉट लाइट्स यूज़ किए हैं। फाइन ग्रास लगी हुई है। घर के अंदर चलते हैं। सबसे पहली चीज़, घर का जो गेट है वो ऑटोमेटेड आप देख सकते हैं कि इसमें आपके रिमोट के वन टच से जो इसका गेट है वो ओपन हो जाता है। और इसमें सेंसर्स भी इंस्टॉल्ड हैं साइड पर, तो अगर आप इसके क्रॉस करते हैं तो ये वापस चला जाता है। फ्रंट एंट्रेंस आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने मेटल का डोर दिया, अंदर ग्लास है। और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बड़ी ही स्लीक सी एंड मॉडर्न सी है। घर के अंदर चलते हैं, घर के अंदर चल के आपको दिखाते हैं घर के अंदर क्या क्या है। घर के अंदर आते साथ ही आपको एक खूबसूरत किस्म की लॉबी वेलकम करती है। अगेन ये घर डिज़ाइन किया है आर्कमेट ने, आर्किटेक्ट अहमद अमीन ने। और इसमें जो टाइल्स लगी हुई हैं वो टोटली मोनालिजा टाइल्स हैं और हाई क्वालिटी की इंपोर्टेड टाइल्स हैं। इवन कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने हाई ट्रैफिक एरियाज़ में भी टाइल्स को यूज़ किया है। और आप देखें यहाँ पर तो इसका एक मेन हाईलाइट जो इसका स्पायरल स्टेयरकेस है जो कि टोटली गोल्डन रेशो को फॉलो करके बनाया गया है, तो कुडोज टू आर्किटेक्ट जिसने डिज़ाइन किया है। एंड इसके आर्किटेक्चरल डिटेल्स को अगर आप देखेंगे तो सीमलेस इन्होंने हाइट्स दी हैं और बहुत ही खूबसूरत किस्म की 10 फीट हाई विंडोज़ हैं इसकी, डोर्स इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इसका जो एक और अगेन एक इसका घर के नाम के अंदर इन्होंने जो मेन हाईलाइट मेंशन किया था वो इसका कोर्टयार्ड था, तो कोर्टयार्ड इन्होंने सेंटर में दिया है, उसको भी आपको दिखाते हैं। पहले हम लॉबी को चेक कर लें तो लॉबी अगेन इसमें मोनालिजा टाइल्स आ जाती हैं। इसमें सारी फिटिंग्स जो हैं वो हंस ग्रोई की हैं। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंडोज़ जो हैं वो नेचुरल लाइट को बहुत ही खूबसूरती से एंटर कर रही हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा टीवी लाउंज, तो इसके अंदर चलते हैं। मेटल डोर्स इन्होंने दिए एंड सीमलेस ब्रीक लाइंस हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर की जो कि इसको आउटलाइन कर रही हैं। यहाँ से आपका जो है वो एक सिटिंग आ जाती है ड्राइंग रूम की। और सामने एक बॉटल ग्रीन कलर में इन्होंने सोफ़ा दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल शेप्ड कॉर्नर सोफ़ा है, सामने आपकी मीडिया वॉल आ जाएगी। एंड इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें टच सेंसिटिव पैनल्स लगे हुए हैं, आपके घर के सारे जो फीचर्स हैं इसमें वो आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसमें ओवरऑल इसकी जो वाइब है वो बहुत खूबसूरत है। लाइट कलर में कर्टन्स हैं। पीछे आप देखें तो इसका लॉन का व्यू है, उस तरफ इसका जो व्यू आ रहा है वो भी आपको दिखाएं तो इसमें कोर्टयार्ड का व्यू यहाँ से आ जाता है। तो अगर आप वाइड स्पेसेस इसकी देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी डिज़ाइनिंग की गई है, यहाँ से कोर्टयार्ड का व्यू आ रहा है। चलते हैं जी इसके किचन एंड डाइनिंग की तरफ एंड किचन एंड डाइनिंग चेक करते हैं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं इसके मेन किचन की तरफ। अच्छा, किचन की खास बात यह है कि आप देख सकते हैं कि सीमलेस ब्लैक कलर में इन्होंने कैबिनेट्स दी हैं, ग्रूव्स हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि इसको खूबसूरत बना रही हैं। एंड यहाँ पर आ जाती है इसकी डाइनिंग एरिया। तो इन्होंने किचन आइलैंड को डाइनिंग के तौर पे यूज़ किया है। काफ़ी सारे फीचर्स इसमें ऐसे दिए हैं जो कि बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट है। यहाँ पर इसमें कॉपर ब्राउन कलर में, कॉपरिश कलर में 6 चेयर्स हैं। और इस आइलैंड के ऊपर भी इन्होंने कोरियान वगैरह यूज़ नहीं किया है, ये भी टाइल यूज़ की है। तो आपके जहाँ पर फ्लोरिंग पे टाइल लगती है यहाँ पर आप मोनालिजा टाइल हर जगह पर लगा के यूज़ कर सकते हैं। इवन के बैक स्प्लैश एंड इसकी जो शेल्व्स हैं उस पर भी टाइल का यूज़ किया गया है। इम्पोर्टेड वॉशिंग एरिया लगा हुआ है इसमें। यहाँ पर फ्रेंकी का स्टोव आ जाता है। यहाँ से अगर आप देखें तो इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है और ब्लैक कलर में लाइन्स हैं इसकी। बहुत ही खूबसूरत किस्म का किचन है इसका। अगेन इसका हाईलाइट, यहाँ पर बेकिंग ओवन दे दिया, इसमें माइक्रोवेव ओवन आ जाता है। एंड आप देख रहे होंगे कि इसकी फ्रिज किधर है, तो फ्रिज इसमें हिडन इन्होंने इंस्टॉल किया है। यहाँ से अगर आप चेक करें तो फ्रिज का सिंगल डोर ये एंड सेकंड डोर इज़ हेयर। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कंसील्ड फ्रिज इसमें दे दिए ताकि आपकी जो फ्रिज है वो हिडन रहे। यहाँ से डर्टी किचन आ जाता है। डर्टी किचन अगर आप चेक करें, सर्विस किचन कह लें, डर्टी किचन कह लें इसको, ये आपका सर्विस किचन आ जाएगा। यहाँ से आपका कोरियन टॉप इसका जो है वो शेल्फ है। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो इसमें इन्होंने स्टोव दिया है मेटल का। यहाँ से आपकी आ जाती है डबल डोर अगेन फ्रिज डॉलेंस की और आपका सारा काम किचन का यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से हम वापस चलते हैं। अगेन हम यहाँ पर आएँ तो इसका कोर्टयार्ड आ जाता है। कोर्टयार्ड की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं कि खूबसूरत किस्म का एक ज़बरदस्त किस्म की स्पेस इन्होंने डिज़ाइन की है। डबल हाइट है ऊपर तक और ओपन है, नेचुरल लाइट का इनफ इसमें जो है रूम है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आउटडोर फर्नीचर बहुत खूबसूरत लगाया है इन्होंने। और यहाँ से आपकी फायरप्लेस आ जाएगी, सामने इसके दो प्लांटर्स आ जाते हैं। तो ओवरऑल कॉम्पोजिशन इस घर की बहुत ही यूनिक है। चलते हैं जी इसके मास्टर बेडरूम की तरफ जो कि फर्स्ट फ्लोर पर एक है, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पर एक है। एंड हम चेक करते हैं कि इसका इन्होंने मास्टर बेड कैसा दिया है। यहाँ से अगर आप चेक करें तो इसके ऊपर डबल ग्लेज विंडो यूज़ की गई है जो कि आपकी हीट को प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पर एक सामने जो वॉल आ रही है इसको इन्होंने प्लेन नहीं छोड़ा है,
खूबसूरत किस्म की कॉम्पोजिशन देखिए, ग्रे कलर में पेंटिंग, साथ कुछ प्लांट्स हैं एंड अगेन यहाँ पर कुछ स्कल्पचर्स हैं। यहाँ से आ जाते हैं इसका मास्टर बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम में आते साथ ही आपको वो गोल्डन एंड ओवर पावरिंग मटेरियल्स का नज़र नहीं आते, यहाँ पर आपको सॉफ्ट पेस्टल टोन्स नज़र आती हैं। अगेन यहाँ पर अगर आप देखें तो बेज कलर में है एंड सारी ही सारी इसमें ग्रे, लाइट ग्रे एंड इसमें जो है वाइट कलर की बेडशीट्स हैं। ओवरऑल ऑलिव ग्रीन कलर इसके ऊपर इन्होंने बेडशीट पे यूज़ किया गया है। और पीछे अगर आप देखें तो वर्टिकल ग्रूव्स हैं जो कि लाइट के शेड्स की वजह से अपना एक बहुत ही प्यारा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओवरऑल वॉल्स इसकी बड़ी ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ से आपकी तीन पेंटिंग्स आ जाती हैं और यहाँ पर एक राउंड इसका जो है वो चेयर, यहाँ पर इन्होंने सोफ़ा दे दिया है और पीछे ओपनिंग आ जाती है। इसका वॉशरूम जो है वो बहुत ही अमेजिंग है और आप अंदर आएँ तो इसमें अगेन आपको सामने ही वॉक इन क्लॉजेट मिल जाता है। फुल साइज़ का वॉशरूम है, इन्होंने एक नीचे से बेडरूम जो मिस किया है उसकी जगह पर इन्होंने इसमें इन्होंने वॉशरूम दे दिया है और वॉशरूम में वॉक इन क्लॉजेट भी इंस्टॉल्ड है। मोशन सेंसिंग लाइट्स इंस्टॉल्ड है, इसमें आप देख सकते हैं कि सारी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हुई हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो इसकी वैनिटी आ जाती है। अगर हम इसका डोर क्लोज कर दें तो डोर भी ह्यूज साइज का डोर है एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी खूबसूरत किस्म की डुअल वैनिटी आ जाती है, मिरर इंस्टॉल है इसमें और यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शेल्फ है। अगेन इसके ऊपर जो वैनिटी है वो भी मोनालिसा टाइल में है। यहाँ से इन्होंने हिडन इसका जो है वो टॉयलेट एरिया दे दिया। आप इस डोर को ओपन करेंगे, आप इसके अंदर जाएंगे तो यू कैन डू योर स्टफ़ हेयर। और यहाँ पर निश भी इसमें देख सकते हैं आपके मोनालिसा टाइल की, ग्रे कलर में एंड वाइट कलर में। और इसको अगर हम क्लोज कर दें तो टोटली हिडन टिंटेड ग्लास में। और यहाँ से आपका आ जाता है शावर कैबिन। शावर कैबिन में अगर आप हंस ग्रोही के फीचर्स चेक करें तो सामने एक प्रॉपर प्लेट है जिसके ऊपर आपकी मर्ज़ी के शावर सेटिंग्स आ रही हैं। इसमें टेम्परेचर आ रहा है एंड इसमें पावर आ रही है। यहाँ से आपका हैंड शावर है, रेन शावर सिस्टम यहाँ पर है, निश आ जाती है यहाँ पर और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। अगेन डोर की हाइट भी आई थिंक 10 फीट है और सॉलिड वुड का ब्लैक कलर में डोर है और इसकी जो हार्डवेयर है वो बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया है। अगेन वापस आ गए हम बेडरूम की तरफ, चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर से आपको बेसमेंट में लेके चलेंगे, उसके बाद आपको घर की प्राइस भी बताएंगे। घर के फर्स्ट फ्लोर पे आते साथ ही आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ से डबल हाइट की कटिंग थी जो कि आपको नीचे टीवी लाउंज से नज़र आ रही थी, वो यहाँ पर आपको जो है वो उसका व्यू मिल जाएगा और आपको शैंडलियर बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। यहाँ से आपके कोर्टयार्ड का व्यू है। अगर आप इसके पैसेज को फॉलो करें तो अगेन सीमलेस पैसेज इन्होंने दिया है। फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे एंड बेसमेंट में इन्होंने टोटल जो है वो सीमलेस पैसेज को और स्ट्रेट लाइंस को इन्होंने फॉलो किया है। यहाँ से हम चलें अगर इसके इस पैसेज की तरफ को तो लेफ्ट साइड पे आपका सर्विस किचन आ जाता है। सर्विस किचन भी अगर आप देखें तो अगेन एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का इन्होंने सर्विस किचन दे दिया। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि मोनालिसा टाइल्स आ जाती हैं नीचे ब्लैक कलर में एंड ऊपर ऊपर भी ब्लैक कलर के ग्रूव्स में इन्होंने कैबिनेट्स दे दिए हैं। यहाँ पर स्टोव इंस्टॉल्ड है, वॉशिंग एरिया इंस्टॉल्ड है, माइक्रोवेव इंस्टॉल्ड है और ओवरऑल बैक स्प्लैश पे भी इसकी टाइल है एंड बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें लाइटिंग इन्होंने यूज़ की है। सामने आपका जो है वो एक फीचर हैंगिंग आ जाती है, वॉल हैंगिंग। और यहाँ से बेडरूम है, यहाँ पर भी बेडरूम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला देखें तो यहाँ से आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का कॉम्पैक्ट साइज़ का बेड मिल जाता है। पीछे इसके जो है दो साइड टेबल्स आ जाती हैं। प्लेन बैक वॉल है एंड यहाँ पर पेंटिंग बहुत ज़बरदस्त इन्होंने दी है। बॉर्डर ग्रीन कलर में इसका जो है वो एक खूबसूरत सा सोफ़ा आ जाता है। सामने आपकी मीडिया वॉल बन जाएगी, प्लस इन्होंने कंसोल जो है वो सॉलिड वुड में दे दिया। प्लस यहाँ से अगर आप चेक करें तो इसका एक इन्होंने चेयर भी दी है ताकि आप इसको स्टडी के तौर पर भी यूज़ कर सकें। ये इसका वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम में अगर आप आएँ तो मोनालिसा टाइल्स अगेन इसमें आ जाती हैं। ग्रे कलर में इसमें खूबसूरत सी टोन दी है। ये इसमें हार्डवेयर जो है हंस ग्रोही का, राउंड मिरर एंड साथ एक पेंडेंट। और यहाँ से आपका आ जाता है शावर कैबिन। अगर हम इसको इस तरफ को ओपन करें तो शावर कैबिन आपको दिखाते हैं कि इसमें उन्होंने स्काईलाइट ऊपर इंस्टॉल कर दी और यहाँ से रेन शावर सिस्टम है। स्काईलाइट से आपकी नेचुरल लाइट आएगी, सामने एक निश आ जाएगी और यहाँ से आपका जो है वो टॉयलेट एरिया आ जाता है। इसमें इन्होंने वार्डरोब्स भी यहाँ पर दे दिए, मर्करी ग्लास के साथ हैं एंड सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ हैं। एल्युमिनियम का इसमें ट्रिम दे दिया इन्होंने। और यहाँ से हम चलते हैं सेकंड बेड की तरफ। सेकंड बेड भी अगर आपको दिखाएं तो उसमें भी टोटल मॉडर्न कंटेम्प्रेरी फर्नीचर यूज़ किया गया है। फर्नीचर के अंदर इसमें इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसको जो है वो मॉडल हाउस के टाइप का इन्होंने इसमें फर्नीचर इंस्टॉल किया है। ज़बरदस्त किस्म का फर्नीचर है, कंफर्टेबल एंड इसमें जो है वो कोजी सी वाइब दे रहा है इसमें। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पेंटिंग आ जाती है। अगेन साइड टेबल लैम्प्स हैं एंड वहाँ पर एक आपका आर्च मिरर है, प्लस साथ सेटिंग आ जाती है। यहाँ पर सॉलिड वुड का कंसोल आ जाता है। आप इसकी वुड चेक करें तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वुड है एंड इसकी जो इसमें कटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये आपकी मीडिया वॉल बन जाएगी, एलईडी आ जाएगी। यहाँ पर एक ऑटोमन है वाइट कलर में। साइड पे नेचुरल लाइट के लिए टेरेस है। ये आ जाता है इसका वॉशरूम एंड वाइट कलर का वॉशरूम, वाइट टाइल, करारा वाइट स्टाइल में टाइल है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी वैनिटी भी टाइल में है। कैले का इसमें बाउल है, प्लस इसमें हंस ग्रोही के हार्डवेयर है एंड राउंड मिरर है। यहाँ से आपका जो है वो वार्डरोब सिस्टम आ जाता है सारा। आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने यहाँ पर वार्डरोब्स दे दिए हैं, मर्करी मिरर के वार्डरोब्स हैं एंड इसका जो ये एक मज़ेदार सा इन्होंने कॉर्नर डिज़ाइन किया है, तो कॉर्नर के ऊपर भी आपकी खूबसूरत सी
वार्डरोब आ जाती है। यहाँ से आपका जो है वो शावर कैबिन आ जाएगा। अगेन शावर कैबिन मैंने एक अच्छी चीज़ की है कि इसको क्लोज नहीं किया, तो टिंटेड ग्लास देके इसको सेपरेट कर दिया। एंड इसमें मैट ब्लैक कलर की इन्होंने हार्डवेयर सिस्टम यूज़ किया जो कि बहुत ही एलिगेंट है, और साइड पे आपकी निश आ जाएगी। चलते हैं जिसके लास्ट पेड की तरफ, उसको आपको बेसमेंट दिखाते हैं। बेसमेंट में इसके इन्होंने ड्राइंग एंड डाइनिंग ले गए हैं जो कि एक अमेजिंग एंड स्पेस सेविंग फीचर है। और चलते हैं जिसके, अच्छा यहाँ पर एक मेज रूम है जिसको आप स्टडी रूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें काफ़ी सारी स्पेस है और इसमें विंडो भी बड़ी अच्छी है और साथ अटैच वॉशरूम है, तो आप इसको स्टडी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मेज रूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बेड की तरफ चलते हैं और उसके बाद आपको इसका बेसमेंट दिखाते हैं। लास्ट बेड में भी आप आएँ तो ये एलिवेशन साइड की तरफ को बेड है नेचुरल लाइट के लिए। इसमें तीन विंडोज़ आ रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सिटिंग आ जाती है। यहाँ से अगर आप चेक करें तो सॉफ्ट टोन में इसका बेड आ रहा है, मास्टर बेड है। साथ इसके जो है वो दो साइड टेबल्स आ जाती हैं और पीछे प्लेन ऑफ वाइट कलर में इसकी जो है वो बैक वॉल है, पेंटिंग दे दी इन्होंने। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ से व्यू आ रहा है। दो ओपनेबल विंडोज़ हैं जो कि टेरेस के एक्सेस में है। और यहाँ से हम इसके चलते हैं वॉशरूम की तरफ। एक सोफ़ा यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल किया है। यहाँ से अगर आप इसका डोर चेक करें तो डोर की हाइट बहुत ही अमेजिंग है एंड ह्यूज साइज़ का डोर है। आप इस डोर को बंद करें और साथ ही हम चलते हैं इस तरफ को, तो इसका वॉशरूम आ जाएगा। वॉशरूम भी अगर आप देखें तो अगेन मोनलिसा टाइल इंस्टॉल्ड है। इसमें वैनिटी की जगह भी टाइल यूज़ किया इन्होंने और साथ हंस ग्रोही की हार्डवेयर है, राउंड मिरर एंड हैंगिंग पेंडेंट्स। यहाँ पर आपका टॉयलेट एरिया आ जाएगा। ये शावर कैबिन है एंड इसका जो है वार्डरोब इसके अंदर ही है। तो चलते हैं जी इसके बेसमेंट की तरफ एंड बेसमेंट में आपको मज़े मज़े के फीचर्स दिखाते हैं। बेसमेंट में आते साथ ही अगेन आपका जो स्टेयरकेस आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर आके एंड हो रहा है। उसका स्पायरल ने बड़ा ही सीमलेस एंड किया है। यहाँ से आपका जो है वो कुछ यहाँ पर इन्होंने वार्डरोब स्टाइल दिया हुआ है और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने पैसेज दिया है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप आएँ तो आपका ड्राइंग रूम इसका जो है वो बेसमेंट में है। डाइनिंग एंड ड्राइंग इसमें बेसमेंट में ले आएंगे और आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल इसकी जो है वो इन्होंने सीमलेस इन्होंने फर्नीचर का लेआउट दिया है। और साइड पे आपकी ग्रूव्स में वॉल आ जाती है और उसके ऊपर पेस्टल कलर में पेंटिंग्स हैं। कॉपर कलर के इसके जो हैं वो आप देख सकते हैं कि साइड टेबल लैंप्स हैं और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने यूज़ किए हैं। एंड यहाँ से आपका एक स्टडी लैम्प आ रहा है जो कि बहुत ही सीमलेस एंड ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। और पीछे आपका जो है वो संकेन एरिया आ रहा है जो कि पीछे की तरफ को ओपन है। और यहाँ से अगर आप आएंगे तो आपको अच्छा ये कंसोल अगर आप चेक करें, इट्स एन ऑटोमन और या कंसोल के तौर पे भी यूज़ होते हैं बिकॉज इट्स मेड इन वुड, तो आप सिटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें कुछ सामान वगैरह भी रख सकते हैं डेकोरेशन। और ये आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के ऊपर भी अगेन मोनालिसा टाइल यूज़ किया, तो मोनालिसा टाइल्स ने अपना जो टोटल स्टॉक इसमें इन्होंने डिस्प्ले किया है वो आपको ये दिखा दिया कि कहाँ कहाँ पर इनकी टाइल यूज़ कर सकते हैं। पीछे दो मिरर्स आ रहे हैं, यहाँ पर एक कंसोल टेबल आ रही है, ऊपर इसमें जो है वो हॉर्स का स्कल्पचर है, कैंडल लैम्प्स ऊपर पड़े हुए हैं। यहाँ से अगर आप चेक करें तो डोर इन्होंने दे दिया है। डोर को आप अगर ओपन करेंगे तो आपका ये स्पेस जो है वापस पैसेज में आ जाएगी। आप लोग उधर से आएँ ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो कि हम स्पेस में किस तरह से मूव कर रहे हैं। अगेन हम वापस पैसेज में आ गए और आप स्ट्रेट लाइंस चेक कर सकते हैं। इन्होंने सिमेट्रिकल लाइंस दी हैं ताकि आपका जो फ्लो है वो बड़ा ज़बरदस्त बन जाए। अगेन नीचे एक बेसमेंट में पाउडर रूम आ जाता है। पाउडर रूम अगर आप चेक करें तो खूबसूरत सा इसमें इन्होंने बाउल यूज़ किया है, सामने मिरर आ जाता है, यहाँ पर आपका टॉयलेट एरिया आ जाता है। और पीछे का व्यू भी अगर आप चेक करें तो अगेन सीमलेस लाइंस हैं। यहाँ से आपका सर्विस किचन आ जाएगा बेसमेंट का, और बेसमेंट में भी इन्होंने जो सर्विस किचन दिया है अगेन साइज़ छोटा है, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टोव, यहाँ पर आपका वॉशिंग एरिया एंड इसका जो है वो स्लाइडिंग डोर है। तो ओवरऑल ये भी स्पेस इन्होंने प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिए। यहाँ से आपके दो बेडरूम्स आ जाते हैं, तो अगेन तीन बेडरूम फर्स्ट पे थे, दो बेडरूम बेसमेंट में, एक ग्राउंड पे, तो टोटल इसमें छः बेडरूम्स हैं। और इसमें ज़रा इन्होंने कलर्स के साथ प्ले किया है, लाइट ग्रे टोन है, पीछे थोड़े बहुत इसमें जो है वो आप कूल ग्रे की यहाँ पर आप टोन देख सकते हैं सोफ़ाज़ पे, और साइड टेबल्स हैं। कॉम्पैक्ट फर्नीचर यूज़ किया है इसमें, बहुत ह्यूज साइज़ के लग्जरी चीज़ें नहीं यूज़ की इन्होंने, तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इसको इन्होंने बनाया। यहाँ पर आपका आ जाता है वॉशरूम, एंड वॉशरूम अगेन उसी पैटर्न में है जिस पैटर्न में फर्स्ट फ्लोर का था। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी वैनिटी आ जाएगी, पीछे टाइल्स हैं, राउंड मिरर है, हैंगिंग पेंडेंट्स हैं। यहाँ पर आपका टॉयलेट एरिया आ जाता है, और ये आ जाता है आपका ज़बरदस्त किस्म का शावर कैबिन। शावर कैबिन में स्पेस बहुत अमेजिंग यूज़ किया है इन्होंने, और अगर आप देखिए तो इसके मेन फीचर्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। और इसमें ही इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ क्लोजेट्स, वार्डरोब्स आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ हैं, एंड ज़बरदस्त किस्म का मर्करी मिरर यूज़ किया हुआ है इस पर। और इसके जो हैंडल्स हैं वो एल्युमिनियम की सीमलेस स्ट्रिंग्स यूज़ किए हैं ताकि ये हैंडल्स जो हैं आपका व्यू डिस्टर्ब ना करें। तो ये बेडरूम भी यहाँ पर है, और लास्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं।
लास्ट बेडरूम भी बहुत ही खूबसूरत है इसका। और यहाँ से आप आ जाएंगे इसके लास्ट बेडरूम की तरफ। हर बेडरूम को इन्होंने एक कोशिश की है कि नेचुरल विंडो मिले, और ज़बरदस्त किस्म की इसकी फिनिश है। वॉल पर जो इन्होंने ये मटेरियल यूज़ किया, आई थिंक इट्स अ वॉलपेपर, और बहुत ही यूनिक सा वॉलपेपर यूज़ किया इन्होंने, और ओवरऑल पूरे रूम में ग्रे कलर में वॉलपेपर आ जाता है। डोर की हाइट अगर आप चेक करें तो डोर काफ़ी हाइटेड एंड ब्लैक कलर में बहुत ही खूबसूरत है। सीलिंग्स इसकी सिंपल रखी गई हैं। बेड भी बहुत सीमलेस था, ब्यूटीफुल सा कंटेम्प्रेरी बेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉलिड वुड का कंसोल आ जाता है, यहाँ पर आपका जो है वो सोफ़ा आ जाएगा। तो ये घर जो है ये बहुत ही अमेजिंग है। इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 19 करोड़ है, और अगर आपको ये घर खरीदना है तो आप एस्पायरिंग होम्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ये घर इट्स अवेलेबल फॉर सेल, तो अगर आप खरीदना चाहें तो आप हमें अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी अगेन टाइल में वैनिटी आ जाएगी। टोटली इस घर में जितनी भी वैनिटीज़ थी वो टाइल की थी, कोरियन की नहीं थी, तो ये भी एक फीचर इसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त यूज़ किया है। सामने आपकी वार्डरोब्स आ जाएंगी, हैंगिंग पेंडेंट्स आ जाते हैं, राउंड मिरर आ जाएगा, यहाँ से आपका टॉयलेट एरिया आ जाएगा, और ये आ जाता है आपका शावर कैबिन। शावर कैबिन में तीनों कलर्स के आपको जो हार्डवेयर सिस्टम दिया था, ऊपर मैट ब्लैक में था, साइड वाले वॉशरूम में क्रोम में था, एंड इसमें ग्रे कलर में है, सॉरी गोल्डन कलर में है, और इसमें अगेन रेन शावर सिस्टम है, और COB लाइट्स ने इस घर की पूरी एम्बियंस जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बनाई हुई है। तो ये था जी वन किनार मॉडर्न हाउस बाय कैले मोनालिजा प्लस आर्कमेट, और कील का फर्नीचर था। शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने इस घर में मेहनत की एंड खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया एंड डेवलप किया, और इस घर की हर चीज़ हर डिटेल जो है वो आपको बता रही है कि आर्किटेक्चरली आप घर को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स पे पैसा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप आर्किटेक्चरल डिटेल्स पे करते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये था जी मेरा रिव्यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इससे ज़्यादा पैसे देगा और इससे अच्छे अच्छे घर लेने की तौफीक देगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।